चाहिए। सिंगरौली जिले में एक तरफ जहां लॉकडाउन है तो वहीं नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस सड़कों पर है। लगातार पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है, लेकिन कई जिले के कई पॉइंट ऐसे भी हैं जहां पर पुलिस कर्मियों के लिए ना तो छांव है ना तो पीने का पानी है। ऐसे में इन पुलिस कर्मियों के समक्ष अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में समस्याएं आ रही हैं। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस तरफ अभी कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसका खामियाजा इन कर्मियों को भुगतना पड़ सकता है। सिंगरौली जिले का अम्बेडकर चौक के आगे का यह नजारा है, जहां पर सिंगरौली पुलिस के जवान यहां पर सुबह मुस्तैदी से खड़े हैं। लगातार लॉकडाउन का 60 घंटा बीत जाने के बाद से जिला प्रशासन के द्वारा जो एक्सटेंड किया गया लॉकडाउन, उसका परिपालन यहां पर पुलिस के द्वारा बखूबी करवाया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर जो निकल कर आ रही है कि यह पुलिस के जवान सुबह 8 से लेकर यहाँ पर खड़े हैं इतनी तपती दोपहरी में, लेकिन इनके यहाँ पीने के पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है। और साथ ही हम बात करें तो यदि यहाँ पर छांव की, तो ये सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस के जवानों के लिए यहाँ पर छांव तक की व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इन पुलिस जवानों के लिए आखिर कुछ कब तक किया जाएगा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन सूरज के साथ शशिकांत, यूडी न्यूज़।